दोस्तों सभी मेहमानों का हमने यहाँ पर बताइए मैडम, जीरो मल्टीपर्पज जो आज का प्रोग्राम रखा था उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आप अपना इंट्रो दीजिए ना। यस, मैं एक सिंगर हूँ, कोरियोग्राफर भी हूँ और एक सोशल वर्किंग एनजीओ है उससे भी मैं जुड़ी हूँ। कल हमारा एक प्रोग्राम था, वहाँ पे मुझे इनसे मुलाकात हुई मेरी और इन्होंने बताया कि इनका जीरो जो ट्रस्ट चल रहा है उसके लिए हमें इनको हेल्प करनी है। तो मैंने सोचा कि हमारे से जितना भी हो सकता है हम इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। और मैं और लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि इनको हेल्प कीजिए, क्योंकि शॉर्ट लोगों को बहुत कम ऐसी संस्था है, गरीबों को खाना मिल जाता है, जैन लोगों की संस्था है, बहुत लोगों की संस्था है, लेकिन इनके बारे में मैंने कल पहली बार देखा। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग इनकी टीम में है, 300 पीपल्स। और उनकी मांग है कि इन लोगों को भी जॉब दिया जाए, कि इन लोगों को वड़ा पाव की दाढ़ी लगाने दी जाए, या तो किसी के घर पे जो लेडीज़ लोग हैं उन लोगों को काम दिया जाए। उन लोगों को काम नहीं दे रहे हैं, कोई भी हेल्प कर रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो हेल्प तो थोड़े दिन कर सकते हैं हम, तो काम अगर हम उनको देते हैं तो इनकी इनकम कंटिन्यूसली मंथली तक उनको इनकम मिल सकती है। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ इन लोगों की हेल्प कीजिए, मुझसे भी जितनी हेल्प होगी मैं ज़रूर मेरी तरफ से करूँगी। और अतुल जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी जो संस्था है सरकार से, क्या आपकी मांगे हैं, क्या है कुछ? जीरो पॉजिटिव की संस्था है मेरी, जो विकलांग लोगों को और शॉर्ट हाइट लोगों को, हैंडीकैप लोगों के लिए है, और खास करके एक सरकार के लिए। जैसा कि आजकल नॉर्मल आदमी है वो तो कमा लेता, बने विकलांग आदमी है और अन्य आदमी ये कहाँ क्या ज़्यादा तो मेरा यही सरकार से मिली है कि वो प्लीज करके बड़ा कॉपी गाड़ी लगाने के लिए मिल जाए। नहीं तो छोटा मोटा तो हम लोग बॉलीवुड में मिलता ही है। और हमारे दोस्त वैसे बड़े भाई जान, हमारे सलमान खान विंग वुमन का ट्रस्ट है, वो खड़े होते, सोनू सूद खड़े हो जाते, हमारे राधे माँ खड़े होते हमारे हर प्रोग्राम में, और हमारे बहन लोग भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो मेरा यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें मदद करो, सपोर्ट करो। हमारे को घर की व्यवस्था नहीं, घर की व्यवस्था कर रहा है, और कुछ गुजरे के लिए ये चीज़ उगाया जाए। वैसे आपके इस संस्था में कितने लोग हैं टोटल? मेरे संस्था में पूरे 350 लोग हैं, 100 टाइप लोग, और 1500 विधवा भाई की विधवा लेडीज है, और विकलांग लोग, हैंडीकैप लोग, 10,000 पब्लिक है। और कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? नरेंद्र मोदी जी से और हमारे मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करा, इनको काम, जैसा उद्धव साहब ने बोला था, जैसा कि बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि तुम काम काम मत मांगो, बड़ा पाव शुरू करो, बड़ा पाव लगाओ। तो मेरा यही मिलना है कि इन लोगों को वड़ा पाव की गाड़ी लगाई जाए मुंबई में एक जगह पे, या नहीं तो कॉइन बॉक्स इश्यू किया जाए, या कुछ काम किया जाए। आपके घर पे बिल्डर हो, जितने भी करोड़पति लोग हैं, जितने भी हैं, कि इन लोगों को एक एक घंटे की आपको आप काम पे रखने की जिम्मेदारी लीजिए। चलिए, बहुत हाय, दिस इज ज़ुहैब सैयद और आप मुझे देखते हैं इंस्टाग्राम सलमान टू ZZ। अरे हो गए मेरे 3 मिलियन फैन, मगर मैं हूँ रामदेव वाले साहब का फैन। अब पूछो क्यों साहब? क्यों साहब? इसलिए साहब, जो आज आपने कार्य किया ये सुनने के बाद ये लोग भी आपके फैन हो जाने वाले हैं। इसका मतलब सलमान खान साहब जिनके हम लोग लाइक करते हैं, राजू भाई के थ्रू जिन्होंने 300 शॉर्ट हाइट की हमेशा जो देख रेख करते हैं वो तो बताना ज़रूरी नहीं, सबको ही जानता है सलमान खान साहब को। तो राजू भाई को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने कॉन्टैक्ट किया अतुल दबंग को और उन्होंने हम सबको कांटेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है, साहब का यहाँ पर एक बड़ा हॉल है जिसके लिए साहब ने बोला फ्री में आओ, मैं जितने भी लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, खाना पीना मैं अपनी तरफ से करूँगा। तो ये चीज़ सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये चीज़ इंस्टाग्राम पे हर जगह डालना चाहता हूँ कि जिसे ऊपर वाला बहुत देता है वो दूसरे को देता है। ये सैयद साहब है, जैसे कि ये साहब आप किसके लिए है? बच्चूपुर साहब। जी हाँ, इतने बड़े साहब के उन्होंने भी भेजा इनको, PA CPG हैं, कि जाओ देखो वहाँ पर अच्छा कार्य हो रहा है तो जाओ उसमें सहयोग करो। तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी और ख़ास करके सलमान खान साहब को दिल से सल्यूट है, राजू भाई को नमस्कार है, और रामदेव साहब को तो आप जानते हैं, मोहब्बत दीजिए ताकि दुनिया में पता चले कि जो कोरोना आया है तो वो क्यों आया, उसका वजह इनको पता चल गया है, मेरे को पता चल गया, इनको पता चल गया है, आप लोग भी जान लो, क्योंकि हम में हमदर्दी नहीं, इंसानियत नहीं है, इसके लिए सब आ रहा है।
बस दुआएं ऊपर वाले से, जिसके पास इंसानियत रहेंगी तो दुनिया चलेंगी। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे साहब से मिलके। जो हमारी रिक्वेस्ट होनी और इतना हमारे जो कोरोना महामारी में राशन दिया, दिल से शुक्र है कि राजू भाई का, सब लोग शुक्र करो राजू भाई। ये बहुत बड़ी बात है कि सलमान खान साहब ने गरीब लोगों के लिए, हाई शॉर्ट हाइटेड लोगों के लिए राजू भाई के थ्रू एक वसीला बने हैं, राजू भाई उनके थ्रू आज यहाँ पर सब कार्यक्रम हुआ है। तो हम सब साहब को धन्यवाद कहेंगे कि कितने समय निकाला, अतुल नाम रखा सर, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीरो बहुद्देशीय संस्था की तरफ से अतुल दबंग अध्यक्ष है और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम किया है और जो शॉर्ट हैंड लोग हैं उनको हर टाइम अतुल दबंग मदद करते हैं, उनको घर भी देने का उन्होंने वादा किया है और उसके लिए हम उनके साथ में हैं। और जो शॉर्ट हैंड है जिसको कोई पूछता नहीं है, आज अतुल दबंग जैसे आदमी पूछ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है और हर टाइम उनके लिए मदद करते हैं। उनके साथ सलमान खान भी है, सलमान खान उनको हमेशा मदद करते हैं और मैं सलमान खान से गुजारिश करूँगा कि अतुल दबंग के पास ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और तुम्हारे सोनू सूद भी है उनको भी मैं विनती करता हूँ कि वो भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप लोगों का किस तरह का सपोर्ट है सर? हमारा अतुल दबंग को जो शॉर्ट हैंड लोग हैं उनको पूरी तरह के सपोर्ट है, उनके सुख में दुख में हम हमेशा साथ में हैं, साथ में रहेंगे। वैसे सर देखा जाए आज योगा दिवस भी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि योगा जो शॉर्ट हैंड लोग हैं उनको योगा आज तक कोई सिखाया नहीं है और अतुल दबंग ने जो मैडम है क्या नाम है सरिता जैन, इन्होंने जो प्रोग्राम रखा है ये अच्छा प्रोग्राम है और ऐसा प्रोग्राम सब जगह होना चाहिए। ये राशन किट्स का जो है सर, ये क्या बीगिंग वुमन की तरफ से है, सलमान खान की तरफ से? ये राशन किट सलमान खान ने इन्होंने दिया है, लास्ट टाइम मैं भी इनको 300 किट दिया था अभी 4 दिन पहले, उन मेरा देख के सलमान खान या एक्टर लोगों को जाग आया, जाग क्या बोलता उसको, होश आया, इसके लिए उन्होंने भी यह किट बांटने का प्रोग्राम किया। सर सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इन शॉर्ट हैंड? सरकार से ऐसा है कि इनको पेंसिल चालू होनी चाहिए, इनको रहने के लिए घर की सुविधा होनी चाहिए, इनके पढ़ाई में इनके पूरे मुश्किल में इनको साथ देना चाहिए और मुझे सरकार से मान है कि हर महीने ये शॉर्ट हैंड लोग कुछ कर नहीं सकते तो सरकार ने इनको 10,000 रुपये महीना पेंसिल के रूप में देना चाहिए। अतुल जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बस मैं कहूँगा कि इनके भाई लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, जैसे मेरे सर लोग जो हॉल के मालक हैं वो भी मेरे साथ खड़े हुए हैं और ये दोनों सर है वो भी खड़े हुए हैं मेरे साथ हैं, जो हमारे घर तक लेके लगते हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं, सपोर्टिंग के खड़े हुए हैं, हमारे ट्रस्ट खड़े करने के लिए उनका दिल से शुक्र करता हूँ। और यही ऐसे ही हमारे बच्चे लोगों के लिए आप भी करते रहो। और भाई हमारा सर का आश्रम का बहुत जल्दी प्लानिंग चल रहा है शॉर्ट हाइट को लेकर और सभी लोगों के लिए भागदौड़ के लिए चला है और सोएब भाई कुछ का कार्यक्रम रखा गया, अतुल जी उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे किसकी तरफ से? इसकी वजह से जो हमारे लड़के एक्टर हैं जो बहुत बड़े भाईजान हमारे सलमान खान, उन्होंने मेरे 300 शॉर्ट हाइट लोगों को किट राशन का गिफ्ट किया हुआ है, उनको मैंने बोला भाई हमारे कोई नहीं है तो हमने राशन का गिफ्ट कर दिया। और हमारी योगा जो मैडम है, योगा टीचर मैडम है, उनके बच्चों के फाउंडेशन की वजह से हमारे को सपोर्ट रहता है, उन्होंने योगा सिखाया और हमारे के फिटनेस योगा प्रशासन जो रहता है हमारे साथ सपोर्टिंग में रहता है, मेरी बड़ी बहन है कभी भी सपोर्टिंग में रहती है, हमारे छोटे भाई हैं कभी भी सपोर्टिंग में रहती है, मेरे 300 बच्चे लोगों को लेके मैं कभी भी टेंशन में नहीं, बहन के बाद बहन सोल्यूशन निकालती है उस बात को और हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं काम, जैसे कि हमारे बॉलीवुड के सलमान खान हो गए जो मदद करते हैं, सोनू सूद हो गए मदद करते हैं हमारे को और यही सरकार से भी गवर्नमेंट से मदद के यही शुरू करते हैं कि हम लोगों को और मदद करिए सर राशन से और इससे कुछ नहीं होता, हम लोगों को काम लगाने की जिम्मेदारी लीजिए आप और काम लगाने के ये लीजिए और मेरी बहन भी वहाँ तक कोशिश करेंगे और सारे लोग मेरे साथ सपोर्टिंग में। ऑल इंडिया ब्लू टाइगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र निराला
टाइगर के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और हमारे बंबई के बाबा साहेब अम्बेडकर के समाज के नेता आदरणीय विजय भाई निकम जो हमारी समिति के खजिनदार है, ये बोनी लोग को जो खाना खिलाने वाले हैं और जो ये व्यवस्था किए हैं वो व्यवस्था करने वाले हमारे नितिन भाई गायकवाड़ आर्यन कैटर्स के मालक, वो हमारे अनाज के साथ बहुत बड़ी मेहनत करके ये हर साफ सफाई का काम करके देख रहे करते, उनको कभी खुद का गर्व नहीं है, एक सामान्य इंसान की तरह वो सबकी सेवा करते और आज अपनी सेवा में उपस्थित है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्ते, मैं अतुल जवान और जो सम्मान जो है तो उन्होंने बहुत ही दिया हुआ है और मेरे दूसरे बच्चे लोगों को देखते हैं और राजू भाई से क्या मेरा फोन बनाया और मेरा मैसेज सुना और भाई का मैसेज भेजा, इसके लिए फिर से शुक्र है। और मेरे शॉर्ट आई लोगों को पूरे लोगों को राशन दिया गया, उसके लिए व्यवस्था दिया गया और हल्का हमारे सेट में दिया गया, इसलिए फिर से शुक्र है कि सलमान भाई हमारे को आप कहीं भी कोई भी सेट पे एक एक घंटे के आप कहीं लोगों को जॉब पर लगाओ भाई, यही रिक्वेस्ट है हमारे शॉर्ट आई, यही मांगते हैं और आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमारे लिए बार बार प्रोग्राम किया करो, बार बार हमारे तरफ देखा करो, आपने मेरे ट्रस्ट के तरफ जीरो बहुत देख सकता है, बच्चे लोगों को मेरी तरफ ध्यान दिया कि आज के जमाने में कोई किसी को भरोसा नहीं करता, मैं सलमान खान इतना मेरे ऊपर भरोसा दिया, इतना राजू भाई ने भरोसा दिया, राजू भाई आपकी एक एक की सभी शॉर्ट लाइट के घर में पहुँची हुई है, सभी लोगों को मिली हुई है, जैसे कि अभी परेशान है आपका घर क्या लोगों को इन लोगों को परेशान बताया, हमारे जानों के सलमान खान वाकई में कोई भी मुसीबत आते तो सलमान खान सबसे पहले आते हैं और आज जो जीरो बहुउद्देशीय संस्था के बारे में जो उन्होंने जो मदद की है, जो रेशन किट दिया है और हमारे सलमान खान के मैनेजर राजू भाई, मैं इनका तो तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने हम कलाकारों को रेशन किट दिया है और आज का ये शानदार प्रोग्राम घाटकोपर समारोह शिविर हॉल में हुआ है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ है और दोस्तों ऐसे और हमारे सर ने जो हॉल हमें दिया है उनका मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे उसका मैं आखिर एक बात बताने जा रहा हूँ, ये जो स्मारक शहीद हॉल है आज का ये प्रोग्राम शानदार था, गेट टुगेदर था और राजू भाई मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, आपने अब 300 कलाकारों को जो रेशन किट दिया है और सलमान भाई लव यू, आप तो मतलब जान हो और सब हैंडीकैप लोगों की आप जान हो, क्योंकि जब भी मुसीबत आती है तो सलमान भाई सबसे पहले आगे आते हैं हमारे जीरो बोती से संस्था के बारे में, लव यू सलमान भाई, लव यू। एक एक है ना, एक काम करो नहीं